नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। साथियों, ये एक बकरी है जिसमें सीवियर डायरिया हो गया। इसको यानी कल शाम से इसको डायरिया स्टार्ट हो गया था, और अभी सुबह सुबह जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट करने हम आ जाएं। ये देखिए, इसको सीवियर डायरिया हो गया है। तो इस डायरिया में इसका ट्रीटमेंट अपन क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों, इसमें एक तो ये डिहाइड्रेट भी हुई है, तो इसलिए इसको एक बोतल RL लगाएंगे और साथ में एक मेट्रोनिडाजोल लगाएंगे, और इसमें इंजेक्शन के रूप में अपन काम में लेंगे सल्फाट्रिम LA। और इसमें डायरिया हुआ है तो इसको ज़रूर 100% आपको पता है इसकी विटामिन्स की भी कमी आई है। तो विटामिन्स की पूर्ति के लिए विटामिन B1, B6 और B12 वाला इंजेक्शन अपन ट्राइबिवेट या फिर माइक्रोटोन इसमें कोई सा भी काम में ले सकते हैं। और साथ में पेट दर्द यानी आंत में किसी प्रकार की ऐंठन वगैरह चल रही है, तो उसके लिए डाइसाइक्लोमिन काम में लेंगे। और इसको CPM प्लस 1 ml बी कॉम्प्लेक्स देंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं देंगे, डायरिया हो रखा है इसलिए 1 ml इसको ज़रूर देंगे। ये तो था इसका इंजेक्शन फॉर्म का ट्रीटमेंट। बाकी इसको टेबलेट के फॉर्म में अपन क्या देके जाएंगे? तो इनको टेबलेट फॉर्म में अपन देके जाएंगे, एक तो इसको डीवर्मर देंगे, दूसरा इसको एमोक्सिसिलिन साल्ट की कोई भी टेबलेट दे सकते हैं। और ये जो टेबलेट है वो इसको आधी आधी दिलाएंगे सुबह शाम, साथ में इसको प्रोविसेक डायमंड बोलस दिलाएंगे ताकि ये फीडिंग पे रहे। और इसके साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, एक कॉल और देंगे जो शरीर में पॉइजनिंग को खत्म करेगा। और यदि आपको ऐसा केस दिखे और उसमें वो बैठ गई है, उसका नीचे का होंठ है वो नीचे लटक गया है और साथ ही में वो चिल्ला भी रही है, तो आप पशुपालक को पहले ही सचेत कर दें कि ये मर भी सकती है। इसका कोई 100% क्लियर नहीं है कि ये जी जाए। तो और ये भी अभी धीरे धीरे बैठने लग गई है दोस्तों, बार बार बैठ रही है, और जहाँ तक हो सके ये तो रिकवर हो सकती है, लेकिन आप सचेत रहें इस बारे में। और ये था बकरी में होने वाले सीवियर डायरिया का ट्रीटमेंट। यदि आपको कोई ऐसा केस देखने को मिले तो आप ये ट्रीटमेंट कीजिए, इसमें 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपको लगे इसमें भयंकर पॉइजनिंग हो गई है, उसके मुंह से लार वगैरह गिरने लग गई है, तो आप एक इंजेक्शन और ऐड कर सकते हो जिसमें एट्रोपिन भी लगा सकते हो आप। जब आपको 100% कन्फर्म हो जाए कि यदि इसको किसी न किसी प्रकार की पॉइजनिंग हो गई है, तब आप एट्रोपिन ऐड कर सकते हो। बाकी ये जो पहले बताया वो ट्रीटमेंट आपको देना है, नॉर्मल या सीवियर डायरिया। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए केस के साथ में।